नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आगे हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, दुनिया आज लगातार अलग अलग तरह के एनर्जी की तलाश में है। हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व वाले देश दुनिया के ज्यादातर नेचुरल गैस की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। दुनिया के टोटल नेचुरल गैस रिजर्व का लगभग 2/3 टॉप स्टॉक वाले टॉप 10 कंट्री के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड लेवल पर एक्सपेंडिचर 2019 से 78 बिलियन क्यूबिक मीटर या फिर 2% की रेट से बढ़ी है, जो कि 2018 में 5% से ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से काफी कम है। इस कैटेगरी में अमेरिका और चीन से सबसे बड़े कंज्यूमर थे। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काफी कठिन स्थिति है। जिस रेट से मांग बढ़ती दिख रही है, 2035 तक नेचुरल गैस की मांग आज की कंपैरिजन लगभग दोगुनी हो सकती है। इसका मतलब है कि दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त गैस का उत्पादन करने के हाई नेचुरल गैस रिजर्व वाले देशों पर भी ज्यादा दबाव होगा। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। इस लिस्ट में 10 नंबर पर वेनेजुएला है। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है। हालांकि परिवहन और खराब बुनियादी ढांचे में कठिनाई का सामना करने के कारण देश अपने नेचुरल रिजर्व को पूरा यूज करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इस लिस्ट में 9 नंबर पर नाइजीरिया का नाम आता है। अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर और महाद्वीप का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व भी है। नाइजीरिया 2018 में एलएनजी का दुनिया का 5th सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। इस लिस्ट में 8th नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात आता है। तेल से भारी प्रॉफिट कमाने वाला यूएई दुनिया का लगभग 7% तेल भंडार है और हाई नेचुरल गैस रिजर्व वाले देशों में 8th नंबर पर आता है। हालांकि ये फ्यूल का प्योर इंपोर्टर भी है और देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसके इंपोर्ट में ग्रोथ की संभावना है। इस लिस्ट में 7th नंबर पर चाइना आता है। चाइना गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के कारण 2018 में नेचुरल गैस का यूज धीमा कर दिया था। चीन हाई लेवल पर नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट करता है। इस लिस्ट में 6th नंबर पर सऊदी अरबी आता है। सऊदी अरब में टोटल स्टॉक का लगभग 1/3 हिस्सा पाया जाता है। ये फ्यूल प्रोडक्शन से ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसके प्रोडक्शन को गवर्नमेंट ने बारीकी से कंट्रोल कर रखा है। नेचुरल गैस में हाई सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए कंट्री वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रडार के अंडर रहा है। वहीं इस लिस्ट में 5th नंबर पर तुर्कमेनिस्तान का नाम आता है। भले ही तुर्कमेनिस्तान में नेचुरल गैस के काफी ज्यादा सर्टिफाइड स्टोर हैं, लेकिन देश में प्रोडक्शन कम रहा है। ये अपने प्रॉफिट के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का यूज करने में भी फेल रहा है। वहीं इस लिस्ट में 4th नंबर पर अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका में नेचुरल गैस देश की टोटल एनर्जी कंज्यूम का लगभग 1/4 प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन की टेक्निकों के डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी की बढ़ती अवेलेबिलिटी के थ्रू बढ़ती मांग को पूरा किया जाता है। इस लिस्ट में 3rd नंबर पर कतर का नाम आता है। कतर से ज्यादातर नेचुरल गैस स्टोरेज इसके ऑफशोर नॉर्थ फील्ड में है, जो कि देश के रूप में एक बड़े एरिया को कवर करता है। देश में पूरे वर्ल्ड के स्टोर का लगभग 14% ऑयल प्रोडक्ट के साथ साथ जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा नेचुरल गैस है। इस लिस्ट में 2nd नंबर पर ईरान का नाम आता है। ईरान के पास वर्ल्ड के नेचुरल गैस स्टोरेज का लगभग 15.8% है। हालांकि कंट्री फ्यूचर में स्टोरेज की खोज के लिए बड़ी पॉसिबिलिटी है, जो काफी हद तक इसकी पोजीशन को बढ़ा सकती है। अगर वो डालन जैसे गैस एरिया से लेकर होमुर्ज की सीढ़ी तक नेचुरल गैस से भरपूर बहुत बड़े एरिया अब यूजफुल नहीं रहे हैं। वही इस लिस्ट में 1st नंबर पर रशिया का नाम आता है। रशिया 2030 के आंकड़ों के बेस पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा नेचुरल गैस वाली कंट्री है। यूरोपीय संघ की 25% से ज्यादा नेचुरल गैस की मांग अकेले रूस पूरा करता है, जिसकी लगभग 80% एक्सपोर्ट सप्लाई पाइपलाइन के थ्रू होती है। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होते हुए गुजरती है, जबकि इसकी अपनी खपत पर ईयर 457 BCM है। दुनिया के सबसे ज्यादा स्टोर के 24% के साथ ये देश का हाई नेचुरल गैस स्टोर वाले कंट्री की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो दोस्तों, ये तो थी टॉप 10 नेचुरल गैस स्टोरेज वाली कंट्रीज की लिस्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।